हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्स एंड रिव्यू चैनल में। आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी और अनबॉक्स करके दिखाऊंगी आपको प्रेस्टीज प्लेटिना फ्राई पैन का। इसे मैंने एमआरपी पे ही खरीदा है होम सेंटर से और इसकी एमआरपी है 1100 और ये 2.25 लीटर का है और बॉक्स पे सारे ही फीचर इसके लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको खोल के भी इसको दिखाऊंगी अच्छे से, सारे फीचर के बारे में भी आपको बता दूंगी। तो देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आता है, पॉलीथीन रैप में है ये और बॉक्स इसके ऊपर था बस। तो ये गारंटी के साथ आता है 5 इयर्स की, इसके साथ ये कार्ड मिला हुआ है। देखिए, ये प्रोडक्ट निकला है बॉक्स के अंदर से। इस ब्रांड का मैंने सेकंड टाइम खरीदा है, इससे छोटा साइज भी मेरे पास है। तो मैंने पहले उसको यूज़ किया था, उसमें जब मैं काम करती थी वो बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है, इसलिए मेरे को वो पसंद आया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये बड़ा लिया है, क्योंकि जब आप छोटा पैन लेते हैं तो वो सिर्फ छोटी फैमिली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको बड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये ऐसा साइज लिया है कि आराम से ये आप यूज़ कर सकते हैं पूरी फैमिली के लिए भी और कम क्वांटिटी के लिए भी। तो ये बहुत ही सुंदर है देखने में और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो एकदम फ्लैट नहीं हैं, ऊँचे हैं। उससे क्या होता है, जो भी आप इसमें खाना बनाते हैं वो बाहर की साइड नहीं गिरता है, अंदर से एकदम क्लीन सरफेस है। तो देखिए, ये सैंडविच बॉटम में आता है, ये पूरा ट्राई प्लाई नहीं है, सैंडविच बॉटम है, बट इसका जो बॉटम है वो बहुत हैवी है और मेरे को इसका एग्जैक्टली वेट नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1.5-2 किलो के आसपास है इसका वेट जो है। और ये इसका हैंडल है जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बट ये स्टील का होता तो शायद ये बहुत अच्छा होता देखने में। तो ओवरऑल मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है, छोटा वाला जो मैंने खरीदा हुआ है। और पूरा ये स्टेनलेस स्टील का है, मैट फिनिश में हमें मिलता है, इसका कलर जो है वो सिल्वर है। आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं स्टील के वो मैट फिनिश में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि स्टील वाले में स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें अगर आप क्लीन करते हैं तो स्क्रैच नहीं आपको नज़र आएंगे। तो ओवरऑल ये मेरे को बहुत पसंद आया हुआ है और मैंने आपको ये भी बताया है कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी छोटे साइज़ का। तो मेरी तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अभी तक का और ये गैस इंडक्शन दोनों पे ही अच्छे से काम करता है, इसकी हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इंडियन कुकिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे आप भिंडी वगैरह बनाते हैं या गोभी आपको लगता है वो चिपकता है, तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। बाकी इसके साथ मेरे को लिड नहीं मिली है, पर मैंने अमेजोन पे देखा है, ये थोड़ा सस्ता भी है अमेजोन पर, मैंने होम सेंटर से लिया है। खाना पकाते हैं तो इसका हैंडल भी गर्म नहीं होता है, हैंडल भी इसका ठंडा ही रहता है, ये भी इसकी एक खासियत है। और ये मैंने खुद से खरीदा है होम सेंटर से, कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।